स्वागत है पक्की खबर बिहार में। पक्की खबर सच है तो खबर है, ऐसे में खबर में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जाले प्रखंड से। हमारे साथ कतरौल बसंत पंचायत के सरपंच पद के उम्मीदवार है। पिछले 3 टर्म ये रह चुके, यानी 15 सालों से ये रह चुके, और इस बार चौथी बार इन्होंने नॉमिनेशन करवाया है। और नॉमिनेशन के बाद हमारे साथ उपस्थित है, क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने छोटे से परिचय दीजिए, फिर उसके बाद संदेश। मेरा नाम राम प्रकाश यादव हुआ, घर कतरौल हुआ। सर, आप चौथी बार सरपंच पद के लिए आप नॉमिनेशन करवाए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी जनता? हम अपने जनता को बिना कष्ट, बिना भय भीड़ का हम यहाँ से उनको न्याय देते हैं और न्याय देते रहेंगे। इतना ही मैं 15 साल से किया, बिना फीस का, बिना भवन होते हुए गाज के नज़दीक, बाद में बैठ करके किसी झोपड़ी के नज़दीक बैठ करके उसका मैंने निराकरण किया, समझौता करवाया। आज तक हमने यहाँ से कोई केस कोर्ट नहीं जाने। तो कहीं ना कहीं जो 15 साल का रिकॉर्ड रहा है उसको बरकरार रखना चाहता है? रहेगा बरकरार, वो जनता का भी है और जनता का असीम कृपा है मेरे ऊपर, जो फिर बरकरार रहेगा। और अब तक आप बता पा रहे हैं कि भवन नहीं है, तो बिना भवन का जहाँ जहाँ जरूरत पड़ता है आप वहाँ पहुँच लोगों को न्याय दें? बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ जरूरत होता है वहीं चले जाते हैं, हर मोहल्ला गली में चले जाते हैं। क्या सब नाम बताया था? मेरा नाम राम प्रकाश यादव। तो राम प्रकाश यादव जी, जो कि सरपंच पद के उम्मीदवार इस बार चौथी बार, तो लगातार यानी चौका लगाने की उम्मीद है, या इनकी जनता से जानना चाहेंगे क्या इस बार जो है फिर से ये जीतेंगे, और क्या चौका लगेगा या नहीं, क्या उम्मीद है आपको? क्या सुनना? 100% आपका क्या सुनना? सर से उम्मीद है कि इस बार जीता है? बिल्कुल। कैसा रहा इनका जो 3 बार जो ये 3 टर्म बने हैं सरपंच, 15 साल का जो है कार्यकाल, कैसा रहा? बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया रहा। तो एक वृद्ध व्यक्ति है, अनुभवी व्यक्ति के द्वारा आपसे मैं दिखा पा रहा हूँ, डायरेक्ट ग्राउंड जीरो से हमारे साथ युवा की भी क्या राय है ये जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? इस बार तो उनका पक्का जीत है, 3 बार से पहले जीत चुके हैं और इस बार भी उनका ही जीत है, और दूसरा कोई इनके टक्कर में है ही नहीं। दूसरा कोई टक्कर में नहीं? नहीं नहीं नहीं। तो कहीं ना कहीं ये कह लेना बेहतर होगा, नहीं पड़ो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, बस जी, 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 जी जी। तो और भी लोग हैं, और भी युवा हैं, युवा की राय जानने की कोशिश करें। क्या सुना? चंदन कुमार जी, ये बताइए कि आप इस बार लगता है कि चौका लगेगा जीत का? जी जी बिल्कुल, हमेशा हर साल की बात है, इस बार भी यानी हैट्रिक तो जीत का लगा चुके हैं, चौका भी लगाए। गरीबों के साथ और अमीरों के साथ कभी भी बड़ा और छोटा का मुकाबला नहीं किया, हमेशा हमेशा एक साथ सबका सम्मान किया है और सबका न्याय दिलाया। तो कहीं ना कहीं युवा भी इनके सपोर्ट में है और भरपूर तरीके से है। जीत की हैट्रिक के बाद अब जीत के चौका की बारी है, और जनता ने पूरा ठान लिया है, मान लिया है कि इस बार जो हैट्रिक लगाया है वो चौका भी लगाएंगे जीत का। इसी के साथ ग्राउंड जीरो से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि हमारा सभी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।